और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा है, संसद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर संसद पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संसद पहुंचे। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, फोटो सेशन भी यहां पर हुआ। लोकसभा स्पीकर बनने पर ओम बिरला को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, शुभकामनाएं उन्हें दी जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी संसद पहुंचे, उन्होंने भी बधाई दी, शुभकामनाएं दी। और अब मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री, देखिए 25 जून 1975 जिस तरह से इमरजेंसी का गला घोंटने का काम किया, आज जो संसद में प्रस्ताव आया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि इस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जिस तरह से किया था, और इस प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया निश्चित रूप से इसके आज जो लोकसभा में आया है एक अच्छा से रखा है। ओम बिरला जी दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं राजस्थान के, मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वे गौरव की बात है राजस्थान के लिए कि दूसरी बार बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष बने। जिस तरह से आज बीजेपी के सारे सदस्य मौजूद थे, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या मैसेज देना था, क्यों ऐसा? देखिए लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन 25 तारीख, जिस दिन जिस प्रकार से लोकतंत्र को रोंदा गया, मैं सोचता हूँ आने वाली पीढ़ी को भी याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से सत्ता के लिए कुछ लोगों ने, राजनीतिक दल के लोगों ने, उस समय कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगा दिया, अखबार और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, बिजली बंद कर दी गई, लोगों को जेल में ठूस दिया गया। और ये जो संविधान के रक्षा की बात करते हैं, उन लोगों को अपने गिरिबान में झांकना चाहिए कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी के समय एनडी की जब चेयरपर्सन थी, तब कितनी बार संविधान में संशोधन किया गया। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जहां एक वोट के लिए भी किसी वोट को मैनेज नहीं किया और त्याग पत्र देकर फिर से जनता के बीच में चले गए। एक ऐसी आदर्श पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो आज सभी माननीय सांसदों ने लोकतंत्र के इतिहास के वो काले दिन को याद किया है, और जिन लोगों ने ये दिन इस देश को दिखाया उन लोगों को भी स्मरण, और जिन लोगों को जेलों में 19 महीने रहना पड़ा, ऐसे कई लोग आज हैं, कई लोग नहीं हैं, उन सबको स्मरण करने का भी दिन। आज स्पीकर का चुनाव हुआ, ओम बिरला जी राजस्थान से सांसद हैं, उनको चुना गया। देखिए पूरे राजस्थान में आज खुशी की लहर है, हर जिले में लोग खुशियां मना रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान का होने के नाते, और उन्होंने देश भर में संसद का गरिमापूर्ण अपना कालखंड पहला पूरा किया, और उनके अगुवाई में दूसरा कालखंड भी एक इतिहास बनाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर संविधान वर्सेस इमरजेंसी पर लड़ाई आकर टिक गई है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष संविधान को लगातार मुद्दा बनाता रहा है, संविधान खतरे में है, इसको लेकर चुनाव में विपक्ष गया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी का जिक्र आज किया और कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को भी घेरा कि जो लोग संविधान खतरे में बता रहे हैं जरा वो उस दिन को भी याद कर लें, 1975 का वो समय जब लोगों को किस तरीके से परेशान किया गया था। और ये उस तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब संसद पहुंचे तो उनके साथ सांसदों ने सेल्फी भी ली।